सुनकर मेरे बांसुरी के सुर उड़कर आ गए तुम फुर्र फुर्र। अब करो पिंजड़े में फुर्र फुर्र। रुक जाओ चिड़ीमार, बांसुरी बजाकर पंछियों को पकड़ने का बड़ा शौक है ना तुम्हें, अब मैं तुम्हारा बैंड बजाता हूँ। ये मत समझना कि चिड़ी मार है हारा, मैं लौटूंगा दोबारा। ये चिड़ी मार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, ये लौटकर फिर आएगा। रोज एक लड्डू खाता है तो बोलो अगले हफ्ते तक कालिया ने कितने लड्डू हजम कर लिए होंगे। तोता जी आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि कालिया रोज एक नहीं बल्कि एक दर्जन लड्डू खाता है। तोता जी की आंखें फिर बड़ी और लाल हो रही है। सुनो चिड़ी मार के बांसुरी की आवाज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, इसके कान बंद कर देते हैं। ये ठीक रहेगा। मैं सुन नहीं सकता, मेरे कान बंद हैं। अब चिड़ी मार की बांसुरी की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो देखो ऊपर आसमान में, ऐसा लग रहा है पंछियों की बारात निकली है। चिड़ी मार ये सब मेरी वजह से कर रहा है, मुझे उसकी कैद में वापस चले जाना चाहिए। घबराओ मत तोता जी, उस चिड़ी मार का जाल तो हम तोड़ कर ही रहेंगे। उसका पता लगाने के लिए क्यों ना हम इन्हीं पंछियों से पूछें? अरे ओ पंछियों, दम है तो मुझसे लड़ो। यहाँ से अच्छा नजारा मिलेगा, अब पता चलेगा चिड़ी मार कहाँ छुपा बैठा है। मुझे माफ कर दो भीम, मैं कभी किसी पंछी को कैद नहीं करूंगा और ना लगाऊंगा बांसुरी के सुर, मैं ही हो जाता हूँ यहाँ से फुर्र फुर्र फुर्र। बच्चों इस तरह हमारे चिंगू और मिंगू ने नाच प्रतियोगिता जीत ली। तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। शिकार नजदीक आ रहा है। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। गांव वालों एक बुरी खबर है, कल से कई गांव के बच्चे लापता हैं। अगर किसी ने चुटकी राजू जीव पिया या बंसी को देखा है तो मुझे तुरंत सूचित करना। बच्चों जंगल से दूर रहना और शाम होते ही घर आ जाना। ओह वही तो, सही कहा।
गांव से बच्चों के गायब होते ही इन पुतली बाबा के नाटक में नई कठपुतलियां शामिल हो गई हैं, जो गायब बच्चों की तरह दिखती हैं। पता लगाना होगा कि ये पुतली बाबा अपनी नई कठपुतलियां कहां से लाते हैं। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, आओ मेरे पास आओ और पुतली बाबा से अपनी गेंद ले लो। शुक्रिया। पुतली बाबा को पसंद नहीं कोई भी बच्चा। बना दूंगा मैं हर बच्चे को एक कठपुतली। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। अलविदा मूर्ख बच्चों, पुतली तुम जैसे शैतानों को पुतली बनाता रहेगा। अगर पुतली बाबा भाग गए तो हम राजू, चुटकी, भोलू और बाकी बच्चों को हमेशा के लिए खो देंगे। हम अपने दोस्तों को वापस जरूर लाएंगे ढोलू, चलो। पुतली बाबा, आप बुरा बाबा, अपने समोसे तो लेते जाओ। समोसे? अरे चटनी तो लेते जाओ। बला 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 रे 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 बला 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 बला। पुतली बाबा की हो गई हार, जितने भी बच्चे हैं वो हो जाएं खुशहाल। गर्मी से तड़प रहे हो, मैं तो काफी ठंडा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आपके हिस्से की गर्मी हमें लग रही है। वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? गाँव वालों, मैंने इस गर्मी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। पेश है मेरा शानदार आविष्कार, बम बम बोले बर्फ के गोले। बम बम बोले बर्फ के गोले। क्या कर रहे हो ढोलू बोलू? उस्ताद,
बर्फ की चादर उड़ा ले आपको। अब वो सब छोड़ो, मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू भोलू। गर्मी हो तो हवा करो, ठंडी हो तो महल बनाओ। हमारे लिए बर्फ के राजा को सलाम करो। इतनी गर्मी के बीच अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। वो रहा तालाब, आओ दोस्तों दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर। मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। गर्मी के मौसम में सर्दी जैसी ठंड पड़ रही है। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी, चलो दोस्तों। मौसम ने गर्म दूध को चॉकलेट आइसक्रीम बना दिया। ये कोई आम सर्दी नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? हाँ।
चकू, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। हजारों सालों में पहली बार सिंघातारा पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। अब मैं झील के खतरनाक जोर दानव को वापस बाहर ला सकती हूँ। झील से निकला हूँ मैं, सबको डुबा दूंगा। जोर दानव नाम है मेरा, सबको झुका दूंगा। मुझे आजाद करने के बदले तुम्हें एक इच्छा देता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें भीम और पूरे ढोलकपुर गांव को बर्बाद करना है, यही है मेरी इच्छा। बस इतनी सी इच्छा? लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी के लिए हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? ये राजा इंद्र वर्मा का सुझाव था राजू। इन मूर्तियों का विसर्जन हम गांव की नदी में करेंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से पानी में पिघल जाएंगी और पानी साफ रहेगा। हाँ चुटकी, राजू देखो जग्गू और मैंने गणेश जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनाया है। चलो चलो भीम, गणेश जी को सिंहासन पर बिठा दो, गणेश उत्सव की पूजा शुरू हो गई है। चलो चलो चलो। की तरह छुप गए, मुझसे बच नहीं पाओगे। ये दानव तो बहुत ही ताकतवर है, हम इसे अकेले नहीं हरा पाएंगे। चुटकी, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि गणेश जी हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। गणेश जी हमारी मदद करो। गणेश जी हमारी मदद करो। वो दानव बहुत ही शक्तिशाली है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। वो एक जल दानव है, उसे हम गांव की झील में कैद कर सकते हैं। उसके लिए हमें ढेर सारा तुलसी रस चाहिए। तुलसी रस हम बना लेंगे। मैंने कहा जाओ। बुरी परी, जोर सिर्फ इसमें नहीं। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। अरे शुक्रिया छोड़ो और कुछ लड्डू ले आओ, इस दानव से युद्ध करने के बाद बहुत भूख लग रही है। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। No!
तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भी। उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी! ये रहा इंद्र वर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ, शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुँचाने हैं। अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बुम बुम। Yeah!
है कि याद रखोगी। पुड़ा पुड़ा बुम बुम, आसमान का घर नीचे लाओ बुम बुम। मोदन जलवा दिखाओ, बवंडर मेन है दुनिया घुमाओ। को चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा, परमा परमा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। Woo!
ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ?